सुनो कविता। कविता पढ़ने और सुनने में बहुत अंतर होता है, और ये अंतर तब समझ में आता है जब आप कविता पढ़ नहीं रहे होते, सुन रहे होते। भाव, परिस्थिति, रंग, मनस्थिति जो भी शब्दों में ढला है, जब आवाज का स्पर्श पा जाता है तो जीवंत हो जाता है, जिंदा हो जाती है कविता आवाज के छूने से। सुनो कविता में फिर एक बेहतरीन कविता आपके लिए प्रीता जी की आवाज में। उन फूलों का क्या जिन्हें नहीं छुआ तुमने, रंग और गंध की तलाश करते टहनियों पर झूलते रहे, खुली आंख देखते मुरझाने तक। घुटन में रही हवा जो लौटती रही टकराकर बंद मकान के उन झरोखों से, जहां शेष थी मुक्ति की राह। नहीं टिके हवा के पैर धरती पर कि पल भर चैन की सांस ले। धूप जलती रही उस छाया के भाग्य से, जिसमें आकर ठहर गया तुम्हारा आकार। दर्पण से टकरा कर लौटते हुए हर बार सोचा प्रकाश ने, जो दिखता है सच उतना ही नहीं होता। जल्द और कागज की कीमत में थी किताब, स्याही की खुशबू छिड़कते हुए पहला पाठ चाहती थी किताब, कि कविता लिखने से नहीं पढ़ने से होती है। तुम तक नहीं पहुंच सका कोई स्वर, जिसमें छिपा था सुर, जिसे तार सप्तक में घुल जाना था। भीतर घुटने का भी संगीत होता है, सुनने वालों को पता है। अपने होने का अर्थ खोजते हुए जाना, तुम्हारा होना मेरे शब्दों में नहीं अर्थ में था। एक व्यर्थ पल में उम्र गंवाने के बाद पता नहीं मैं कहां होऊंगा उस क्षण, जब तुम होगे फूल, हवा, धूप और कविता के साथ।